In this lesson, we will learn about Einstein summation convention. Einstein summation convention was introduced by Einstein with his words, "I have made a great discovery in mathematics. I have suppressed the summation sign every time that the summation must be made over an index which occurs twice." Means ki jo bhi index kisi expression mein two times aayega, uske upar summation sign aayega. ठीक है, और वो समेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑब्वियस दैट व्हेनेवर एन इंडेक्स इज रिपीटेड टू टाइम्स इन एन एक्सप्रेशन देयर इज अ समेशन साइन ओवर दैट इंडेक्स. आइंस्टीन समेशन इज अ नोटेशनल कन्वेंशन फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग समेशंस ऑफ वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड टेंसर्स. मींस ये समेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर समेशन, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन इन वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड टेंसर्स. And there are some rules for this Einstein summation convention. The first one is, which is related to Einstein summation convention, actually, repeated indices are summed over. कि जहाँ भी repeated indices हैं, वो उनके ऊपर summation sign है, वो add up हो रहे हैं, ठीक है? So अगर आप summation sign के बगैर लिखते हैं expression या summation sign के साथ लिखते हैं, वो दोनों expressions basically same हैं. तो दिस इज द आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन हम इस समेशन साइन के वाली एक्सप्रेशन को समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन ए आई ए आई, इसको हम सिंपल ये लिख सकते हैं ए आई ए आई. ठीक है, हमें ये समेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑब्वियस दैट I is repeating index, तो I जो है इसके ऊपर समेशन साइन आएगा. तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन मेंशन होगी आई की वेरिएशन, तो आप उसको वो वेरिएशन दे देंगे कि आई को बेसिकली आपने वैल्यूज कौन कौन सी देनी है, इंडेक्स सेट उसका मेंशन होगा. सीधा सेकंड एग्जांपल, ए आई के ए आई जे इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन ए आई के ए आई जे. दिस इज बेसिकली दिस एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन आपने पहले इस तरह से पढ़ा हुआ है जिसमें आई डमी इंडेक्स है, तो आप आई के साथ आई के लिए समेशन लिखते हैं इसके साथ, और आई के ऊपर वेरिएशन है 1 टू एन. तो इसी एक्सप्रेशन को आप using Einstein summation convention इस तरह से लिख सकते हैं ए आई के ए आई जे, एंड दिस इज ऑब्वियस दैट आई इज अ डमी इंडेक्स, तो उसके ऊपर समेशन आ रहा है. वो रिपीटेड इंडेक्स है तो उसके ऊपर समेशन आएगा, वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एक्चुअली द आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. द सेकेंड रूल इज ईच इंडेक्स कैन अपियर एट मोस्ट ट्वाइस इन एनी टर्म. कोई भी जो इंडेक्स है, इंडेक्स रिपीट तो हो सकता है लेकिन सिर्फ दो दफ़ा आ सकता है. कोई भी इंडेक्स किसी एक टर्म में एक दो दफ़ा आ सकता है, ठीक है? दो से ज़्यादा दफ़ा आएगा तो वो एक्सप्रेशन आपके पास वैलिड एक्सप्रेशन नहीं होगा. थर्ड वन इज ईच टर्म मस्ट कंटेन आइडेंटिकल नॉन रिपीटेड इंडेसेस. तो कुछ आपके पास नॉन रिपीटेड इंडेसेस भी होते हैं एक्सप्रेशन में, जिनको आपने पढ़ा था कि फ्री इंडेसेस होते हैं, वो इंडेसेस किसी भी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, वो सेम होने चाहिए हर टर्म में. Each term must contain identical equal number of non-repeated indices. So let's see this example. M I J V J. This is equal to summation J M I J V J. अब हम ये दोनों rules check करेंगे कि ये दोनों इस पे ये equation इन दोनों rules को satisfy कर रही है. Either this is a valid expression or not. तो आप देखें कि जो repeated index है वो J है, ठीक है, और वो दो दफा ही आ रहा है. थ्री टाइम्स नहीं आ रहा. अगर थ्री टाइम्स होता तो ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो ये दो दफ़ा आ रहा है, और जो नॉन रिपीटेड इंडेक्स है, जो फ्री इंडेक्स है आपके पास, वो एक दफ़ा आ रहा है इस साइड पे भी और यहाँ पर भी, तो इसलिए कि आपके पास एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, एम आई जे यू जे वी जे प्लस ओमेगा, ये आपके पास एक टर्म है. यहाँ पर एम आई जे यू जे वी जे इस फर्स्ट टर्म में देखें, ये फर्स्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन की, इसमें जे जो है वो थ्री टाइम्स आ रहा है, जे थ्री टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, दिस प्लस दिस, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है. और सेकेंड देखिए एग्जाम्पल इसी के साथ, एंड दिस टी आई जे के यू के प्लस एम आई पी. इसमें फर्स्ट टर्म देखें, टी आई जे के यू के, तो इसमें के डमी है, दो दफ़ा आ रहा है, दिस रूल इज फाइन. एंड जो आपके पास नॉन रिपीटेड इंडेक्स हैं, इंडेसेस हैं आई और जे, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आई और जे हैं, दो इंडेसेस हैं, लेकिन सेकंड टर्म में ये एक है, नॉन रिपीटेड इंडेक्स एक है, आई जे यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी आपके पास वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है. कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास, जब आप टेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन वैलिड कब होगा, जब आपके पास
रिपीटेड इंडेक्सेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दो दफ़ा आए किसी एक टर्म के अंदर, वो इंडेक्स जो है वो दो दफ़ा आए, ठीक है, तब उसके ऊपर समेशन साइन होगा, अप्लाई होगा और उसको हम डमी इंडेक्स कहेंगे। और जो नॉन रिपीटेड इंडेक्सेस हैं जिनको आपने पढ़ा था फ्री इंडेक्सेस, वो आइडेंटिकल होने चाहिए हर टर्म में, ठीक है। सी दिस एग्जाम्पल, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन, ए एम एस इज इक्वल टू बी एम सी आर माइनस डी आर। तो इसमें अब अगर आप राइट और लेफ्ट हैंड साइड देखें ए एम एस, तो इसमें जो कोई भी इंडेक्स रिपीट नहीं हो रहा है, और फ्री इंडेसेस हैं दोनों एम और एस। राइट हैंड साइड देखें, इसमें जो फ्री इंडेसेस हैं वो एम और आर हैं, रिपीट कोई भी नहीं इंडेक्स हो रहा है यहाँ पर दोनों साइड्स पे, ठीक है, फ्री इंडेसेस हैं सारे, लेकिन वो फ्री इंडेसेस लेफ्ट हैंड साइड पे एम और एस हैं और राइट हैंड साइड पे एम और आर हैं। सो दैट्स मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखें तो इसमें दोनों साइड्स पे आपके पास फ्री इंडेसेस हैं एम और एस और यहाँ भी एम और एस है, ठीक है, इट मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन इज अ वैलिड एक्सप्रेशन। थर्ड वन देखें, टी आई इज इक्वल टू ए जे आई एन जे। इसको जब आप करेंगे चेक करें तो राइट हैंड साइड पे जे आपके पास डमी है, ठीक है। अब डमी एक्सप्रेशंस का नहीं है, डमी इंडिसेस का नहीं है कि वो दोनों हर टर्म में सेम आने चाहिए कुछ, ठीक है। डमी इंडिसेस का ये है कि वो जहाँ आ रहे हैं वहाँ वो दो दफ़ा आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स नहीं आ सकते, ठीक है, एक टर्म के अंदर। तो यहाँ ये डमी इंडेक्स रिपीट हो रहा है और टू टाइम्स ही आ रहा है, ये ठीक है। और जो नॉन रिपीटेड इंडेक्स है फ्री इंडेक्स, वो आई लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक दफ़ा आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ वैलिड एक्सप्रेशन। इसी तरह आप ये फोर फाइव सिक्स को भी एक्सप्रेशन को भी चेक कर सकते हैं, ये भी वैलिड वैलिड है या नहीं वैलिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपके पास एक्सपैंड द समेशन सी आई एक्स आई प्लस वाई आई फॉर एन इज इक्वल्स टू फोर। आपने इसको एक्सपैंड करना है इस एक्सप्रेशन को फॉर एन इज इक्वल्स टू फोर। तो आप चेक करें कि ये जो आपके पास है एक्सप्रेशन, इसमें अगर आप ये ब्रैकेट्स ख़त्म करें सी आई अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा सी आई एक्स आई प्लस सी आई वाई आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास i जो है वो डमी इंडेक्स है, वो हर टर्म में रिपीट हो रहा है। तो अब डमी इंडेक्स का क्या मतलब है, फॉर n इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि आपके पास अगर जस्ट n इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो आपने 1 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 1 2 3 4, ठीक है। i की वैल्यूज जो है वो 1 2 3 4 हैं, i 1 2 3 4 वैल्यूज ले सकते हैं, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन में इसको वैल्यूज देंगे, बिकॉज i इज अ रिपीटेड इंडेक्स, डमी इंडेक्स है, तो इसको आई को जब हम वेरिएशन देंगे तो वन बाय वन सारी टर्म्स के बिटवीन प्लस का साइन आ जाएगा। तो जब आप इसको वेरिएशन देंगे आएगा आपके पास सी वन एक्स वन प्लस वाई वन प्लस सी टू इंटू एक्स टू प्लस वाई टू प्लस सी थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एंड प्लस सी फोर इंटू एक्स फोर प्लस वाई फोर। ये इसको एक्सपेंड करने से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये एग्जाम्पल में सिर्फ आपको ये बताया गया कि आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन को कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। समेशन साइन नहीं लिखा हुआ तो आपने उन टर्म्स को एक्सपेंड कैसे करना है, बिकॉज ऑनवर्ड्स आपने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के साथ ही काम करना है, हम समेशन साइन नहीं लिखेंगे जहाँ भी डमी इंडेसेस आएंगे। नेक्स्ट आपके पास डबल सम, तो अब आपके पास जो डमी इंडेसेस हैं वो एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मोर देन वन समेशन इंडेसेस। समेशन इंडेक्स मीन्स कि एक से ज़्यादा डमी इंडेसेस जब होंगे तो एक से ज़्यादा समेशन साइन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें ए आई जे एक्स आई वाई जे, दिस इंडिकेट्स अ समेशन टेकिंग प्लेस ऑन बोथ आई एंड जे साइमल्टेनियसली। आई और जे दोनों पे समेशन अप्लाई हो रहा है क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर इस टर्म में आई और जे दोनों डमी इंडेसेस हैं। तो इफ एन एक्सप्रेशन हैज टू समेशन इंडेसेस देन आपने कैसे सॉल्व करना है, वेरिंग फ्रॉम वन टू एन there will be a total of n square terms in the sum. आपको आपके पास कितने terms हैं और दोनों की variation same है, दो indices हैं, dummy indices हैं और दोनों की variation same है from 1 to n. तो आपके पास उस expression को simplify करने के बाद वो जो dummy indices हैं उनको अगर आप values दे देंगे तो आपके पास n square terms बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास three dummy indices हैं तो n cube terms बनेंगे and so on. See example 2. आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ए आई जे एक्स आई वाई जे। अब ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें दो डमी इंडेसेस है जे एंड आई, ठीक है, और दोनों की वेरिएशन आपके पास है 1 2 3। तो आपने सॉल्व कैसे करना है एंड दिस इज नाउ अप टू यू कि आप किस डमी इंडेक्स को पहले वैल्यूज देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आई को पहले वैल्यूज दे दिए, तो आई को जब आप वैल्यूज देंगे
तो इट मीन्स के आई को 1, 2, 3 वैल्यूज देंगे, और जब 1, 2, 3 वैल्यूज देंगे तो हर दफ़ा आपके पास दरमियान में समेशन साइन आएगा, बिकॉज आई के ऊपर समेशन है। ये या आपने याद रखना है, समेशन इज नॉट नाउ मैंशनड, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि जहाँ भी रिपीट हो रहा है इंडेक्स, वहाँ समेशन साइन आएगा उसके ऊपर, उसके वेरिएशन के ऊपर। तो आप आई को वेरिएशन दें यहाँ इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास टर्म्स आएंगी a1j x1 y j प्लस a2j x2 y j प्लस a3j x3 y j। ठीक है, उसके बाद अब आप इस साइड पे j को वेरिएशन दे दें। लेकिन अब हर टर्म में, अब ये जो 3 टर्म्स हैं इसमें हर टर्म में जे डमी है, देखें इस टर्म में भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हर टर्म में 1 by 1 आपने जे को वेरिएशन देनी है। तो यहाँ जब आपको जे को, आप जे को वेरिएशन देंगे तो फर्स्ट टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स आएंगी मेरे फर्स्ट लाइन में, इसी तरह सेकेंड टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग 3 टर्म्स आएंगी ये सेकेंड रो में, एंड थर्ड टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग ये 3 लाइन्स आएंगी जो थर्ड रो में। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास, अब ये देखें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें तो ये भी आपके पास 9 है। आई और जे की वेरिएशन 1 से 3 तक है, 3 स्क्वायर 9 टर्म्स आपके पास बन रही हैं। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये मैंने इनको कलर्स डिफरेंट दे दिए। ठीक है, आई की वेरिएशन जो है वो आपके पास ये पिंक कलर में, और जो लाइट पर्पल में, ये आपके पास जे की वेरिएशन है। सो सी अनदर एग्जांपल, राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर एन इज इक्वल्स टू 2 corresponding to the expression yi is equal to cri ars xs. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें आपने इक्वेशंस लिखनी है इस एक्सप्रेशन के corresponding कितनी बनती है। ठीक है, उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लिखना है, और यहाँ देखेंगे r और s दो डमी इंडिसेस हैं इस साइड पे, और आपको कहा गया है कि फॉर n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि r और s की वेरिएशन 1 से 2 तक है, और सिमिलरली i की वेरिएशन भी 1 से 2 तक है। अगर किसी इंडेक्स की वेरिएशन डिफरेंट होगी तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगी कि इस इंडेक्स की वेरिएशन इतनी है और इसकी इतनी है। यहाँ सिर्फ n इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि आपके पास जितने इंडेसेस हैं इस एक्सप्रेशन में, आई, आर और एस, सबकी वेरिएशन 1 से 2 तक है। तो कंसिडर दिस एक्सप्रेशन, वाई आई, सी आर आई, आई आर एस, एक्स एस और एन आपके पास 2 है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि आर और एस डमी है, आई फ्री है, और सबकी वेरिएशन जो है वो 1 से 2 तक है। तो अब ये कंसिडर करें एक्सप्रेशन, और इसमें वेरिएशन देना शुरू करें 1 by 1 इंडिसेस को। नाउ दिस इज अगेन अप टू यू कि आप पहले डमी इंडेक्स को वेरिएशन देते हैं और एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं और उसमें बाद में आई को वेरी करते हैं, या पहले आप आई को वेरिएशन दें और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे आपके पास टर्म आती है उसमें फिर डमी इंडेक्सेस को वेरिएशन दें। पहले मैंने यहाँ पर आई को वेरिएशन दी है, ठीक है, जो फ्री इंडेक्स है, तो वाई वन आपके पास आएगा इस इंडेक्स में, जब आई को मैं 1 वैल्यू दूंगी तो वाई वन आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल टू सी आर वन ए आर एस एक्स एस। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन जिसमें आर और एस डमी है, आप 1 by 1 उनको वेरिएशन दे दें। मैंने पहले एस को वेरिएशन दे दी है, तो सी आर वन ए आर वन एक्स वन आ जाएगा प्लस सी आर टू ए आर टू एक्स टू आ जाएगा। इसी तरह आप आर को वेरिएशन दे दें तो आपके पास इस टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग भी 2 टर्म्स आ जाएंगी, और इसी टर्म के सेकेंड टर्म के कोरिस्पॉन्डिंग भी इसी तरह 2 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी वाई वन के लिए, ठीक है, वाई वन इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली आप जब आई को 2 वैल्यू देंगे और राइट हैंड साइड को इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये इन एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर 2 डमी इंडिसेस हैं तो आपने किस तरह वेरिएशन देनी है। ठीक है, आपने 1 by 1 वेरिएशन देनी है, पहले एक इंडेक्स को पूरी वेरिएशन देनी है, फिर उसके बाद हर एक्सप्रेशन के अंदर जो सेकेंड डमी इंडेक्स है उसको वेरिएशन देनी है। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, सब्स्टिट्यूशंस। सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू सब्स्टिट्यूट वाई आई इज इक्वल टू ए आई जे एक्स जे इन द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में हमने ये एक्सप्रेशन रिप्लेस करना है, तो अगर हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे वाई आई की जगह एज इट इज, जो ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। बट अगर आप चेक करें तो यहाँ जे जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, आप दैट मीन्स के ये अब वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस तरह के की सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, द करेक्ट मेथड इज दैट फर्स्ट वी आइडेंटिफाई एनी डमी इंडिसेस। पहले हम डमी इंडिसेस देख लेते हैं कि कौन से जो है वो कंसाइड कर रहे हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन है मेन एक्सप्रेशन जिसमें हमने सब्सटीट्यूट करनी है टर्म, और वो टर्म जो हमने सब्सटीट्यूट करनी है इसमें, यह देखिए यहाँ भी जे डमी है और यहाँ भी डमी है, ये कंसाइड कर रहे हैं। सो रीड इट, द करेक्ट मेथड इज दैट फर्स्ट वी आइडेंटिफाई एनी डमी इंडिसेस इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्सटीट्यूटेड,
that coincide with the indices occurring in the main expression. Changing these in the indices to characters not found in the main expression, one can proceed substitution in the usual fashion. उसके बाद फिर हम पहले डमी इंडिसेस को चेंज करेंगे. ये भी हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी थी लास्ट लेसन में कि हम डमी इंडिसेस को कोई और नाम दे सकते हैं. ठीक है, वेरिएशन उसकी वही रहेगी लेकिन डमी इंडेक्स अगर आई है तो उसको हम जे कह सकते हैं. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं. See this example. If I y I is equal to a I j x j, then express the quadratic form q is equal to g I j y I y j in terms of x variable. आपने इस form को, इस expression को, कि जो right hand side है यहाँ पर y की ये value use करते हुए इसको x variable के form में लेके आना है. ठीक है, अगर आप direct ये वाली value replace करते हैं तो again यहाँ पे j dummy है, यहाँ भी j dummy है, तो आपके पास वो कंसाइड कर जाएंगी टर्म्स. ठीक है, तो वो वैलिड एक्सप्रेशन नहीं रहेगा. इसलिए फर्स्ट आपने क्या करना है, वाई आई की वैल्यू के लिए आपने जे को रिप्लेस कर देना है के साथ. आप आर के साथ कर सकते हैं, एस के साथ कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन वो डमी इंडेक्स जो आपके मेन एक्सप्रेशन में यूज ना हुआ हो. ठीक है, तो आपने रिप्लेस कर दिया के साथ, तो वाई आई आपके पास आ गया. वाई आई इज इक्वल टू ए आई के एक्स के. सिमिलरली आपको तो वाई जे की वैल्यू भी चाहिए, तो y j की वैल्यू के लिए यहाँ i की जगह आपको j चाहिए पहले. तो यहाँ i की जगह j करेंगे तो ये जो इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी j है, जो डमी है, इसकी जगह कोई और वेरिएबल कर दें, इसकी जगह s कर दें. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा. आपको y j की वैल्यू चाहिए तो आपने ये जो इस एक्सप्रेशन में ये i है और ये i है, इन दोनों की जगह आपने j करना है. तो जो ऑलरेडी आपके पास डमी इंडेक्स है जे, इसको आपने किसी और इंडेक्स से रिप्लेस कर देना है, एस से कर देना रिप्लेस. ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा वाई जे इज इक्वल टू ए जे एस एक्स एस. अब ये जो वाई आई और वाई जे की वैल्यूज हैं आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. सिंपली कोएफिशिएंट्स को टू इंडिसेस वाले जो है उनको आपने कंबाइन कर लिया स्टार्ट में और एक्स वाली टर्म्स को इधर लिख दिया. और ये जो स्टार्ट में ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं. अगर ये नहीं भी लिखते तो यहाँ तक ही आपने ज़रूर काम करना है कि ये आपने इस एक्सप्रेशन को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि आपने एक्सप्रेस करना है बी आई जे वाई आई वाई जे को इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल अगेन. और आपको ये कुछ दी हुई है वैल्यूज के वाई आई इज इक्वल टू सी आई जे एक्स जे एंड बी आई जे सी आई के इज इक्वल टू डेल्टा जे के. कंसिडर करें इस एक्सप्रेशन को बी आई जे वाई आई वाई जे. ठीक है, मैंने इनको हाईलाइट यहाँ इसलिए किया कि ये दो टर्म्स हैं जिनकी जगह आपने ये एक्सप्रेशन यूज करते हुए एक्स की फॉर्म में टर्म्स रिप्लेस करनी है. ठीक है, तो वाई आई को आप ले तो ये आएगा इसी एक्सप्रेशन से वाई आई इज इक्वल टू सी आई आर एक्स आर. नाउ रिमेंबर वाई वी रिप्लेस जे विद आर बिकॉज जिस एक्सप्रेशन में हमने रिप्लेस करनी है ये वैल्यूज वहाँ ऑलरेडी जे यूज हो रहा है और वो डमी इंडेक्स है. ठीक है, इसलिए हमने जो एक्सप्रेशन रिप्लेस करना है उसमें हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ हमने जे की जगह आर कर दिया. इसी तरह अगेन आपको वाई जे की वैल्यू चाहिए तो यहाँ वाई जे करना है आपने और जो ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर जे यूज़ हो रहा है उसकी जगह आप एस कर दें, के कर दें, टी कर दें. ठीक है, कुछ भी आप अदर वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये दोनों वैल्यूज़ वाई आई और वाई जे की जब आप इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा. अभी फर्स्ट टर्म देखें, इन दोनों को मिला के आपके पास बन रहा है वी आई जे सी आई आर एंड बी आई जे सी आई आर. सी आई के आपको दिया हुआ है, डेल्टा जे के इक्वल है, तो जब सी आई आर आएगा तो डेल्टा जे आर के इक्वल बन जाएगा दिस वन. ठीक है, अभी जो डेल्टा जे आर है एक्स आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स जे बनेगा. ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपके पास ये एक्चुअली दिस इज द क्रॉनिकर डेल्टा सिंबल और ये नॉन जीरो ही तब होता है जब इसके दोनों इंडेसेस सेम हो. तो ये जे जे के इक्वल होगा, आर जो है एक्चुअली जे के इक्वल होगा तभी ये नॉन जीरो आएगा. इसलिए ये एक्स के साथ जो आर है इसकी जगह भी जे आ गया. ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा और इसमें ये आप अरेंज कर लें एक्स की टर्म्स को बाद में लिख लें, सी जे एस को पहले लिख लें, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है.